दोस्तों हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा यूनिवर्सिटी वेट्स। ये एक लेट 16 सेंचुरी के कुछ बेहतरीन इंग्लिश पोइट्स का ग्रुप था जिसे हम यूनिवर्सिटी वेट्स नाम से जानते हैं। यूनिवर्सिटी वेट्स इस टर्म को सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया था, इस ग्रुप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इस ग्रुप को यूनिवर्सिटी वेट्स ही क्यों कहा जाता है और इस यूनिवर्सिटी वेट्स को इंग्लिश लिटरेचर में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको यूनिवर्सिटी वेट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी वेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज यूनिवर्सिटी वेट्स को ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि यूनिवर्सिटी वेट्स इस टर्म को सबसे पहली बार किसने इस्टेब्लिश किया था, मतलब किसने इन सातों राइटर्स का कलेक्शन बनाकर इन्हें यूनिवर्सिटी वेट्स ऐसा नाम दिया। तो इन्हें यूनिवर्सिटी वेट्स सबसे पहली बार कहा था जॉर्ज सैंड्सबर्ग ने। ये एक 19 सेंचुरी के जर्नलिस्ट है और ऑथर भी थे। उन्होंने सबसे पहली बार इन्हें यूनिवर्सिटी वेट्स नाम से बताया और उसी की वजह से हम इन सातों राइटर्स को एक साथ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी वेट्स की टर्म में। तो चलिए जान लेते हैं यूनिवर्सिटी वेट्स के उन सातों राइटर्स के नाम। सबसे पहले हैं क्रिस्टोफर मार्वलो, दूसरे हैं रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, जॉर्ज पिल, थॉमस लॉज और सबसे आखिरी है थॉमस किड। अब अगला सवाल ये आता है कि उन्हें यूनिवर्सिटी वेट्स ही क्यों कहा जाता है और उसका रीज़न ये है कि दुनिया में सबसे फेमस दो ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज, और इन सातों राइटर्स में से छः राइटर्स ने इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उसमें से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी क्रिस्टोफर मार्वलो ने, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ने। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी जॉन लिली, जॉर्ज पिल और थॉमस लॉज, और सबसे आखिरी जो थॉमस किड है, इन्होंने इन दोनों भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं की थी। इनफैक्ट इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी इन्हें इस यूनिवर्सिटी वेट्स में जॉर्ज सैंड्सबर्ग ने जगह दी है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी वेट्स को इंग्लिश लिटरेचर में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स, ये जो सात राइटर्स का कलेक्शन है और इसमें कि ये सात राइटर्स जो है, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत कुछ दिया क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार विदाउट किसी के भी इन्फ्लुएंस के और किसी के भी कॉपी से खुद का एक राइटिंग का पैटर्न शुरू किया और उसी के बाद से फिर जो भी राइटर्स आने लगे, चाहे फिर वो शेक्सपियर हो या फिर कोई भी, उनसे सीख लेते थे, उन्हें आइडियल रखकर लिखने लगे, जिस वजह से इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 16 सेंचुरी के बेहतरीन राइटर्स हैं, हमने इससे पहले एलिजाबेथन एज की वीडियो में देखा था कि एलिजाबेथन एज में, एलिजाबेथन क्वीन की मोनार्की में, एलिजाबेथन ने लिखावट में राइटर्स लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया था। उस वजह से राइटर्स लोगों ने बहुत ही बेहतरीन लिखने की कोशिश की और उसमें से ये सातों नाम आगे आए, जिस वजह से इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि इन सातों राइटर्स ने शेक्सपियर को एक रास्ता बनाकर दिया था। इस यूनिवर्सिटी वेट्स के इन सातों राइटर्स की लिखावट में हमें रेनिसा की जड़ें नज़र आती हैं क्योंकि इन राइटर्स की जो लिखावट थी वो क्वालिटीफुल थी। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी नए नए वर्ड्स थे इनकी लिखावट की वजह से आने लगे। अब अगला सवाल आता है कि इंग्लिश लिटरेचर में इस यूनिवर्सिटी वेट्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन सातों राइटर्स का जो कलेक्शन है और इसमें से जो ये सातों राइटर्स हैं इनकी लिखावट बहुत क्वालिटीफुल थी, जिस वजह से इंग्लिश लिटरेचर के नज़रिए से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहले हैं क्रिस्टोफर मार्वलो, इनका नाम बहुत ही बड़ा है इस यूनिवर्सिटी वेट्स में, हालांकि इनकी एज सभी राइटर्स से कम थी। और एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्रिस्टोफर मार्वलो और शेक्सपियर का बर्थ सेम ईयर में हुआ था। हालांकि क्रिस्टोफर की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी, बहुत ही कम एज में वो मर चुके थे, लेकिन उनकी एज में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ही साल इंग्लिश लिटरेचर को दिए और उनके 4 ही वर्क है जो बेमिसाल है, और उनके इन्हीं 4 वर्क पर उनका नाम इंग्लिश लिटरेचर में आज भी आबाद है। अगर क्रिस्टोफर मार्वलो की लाइफ शेक्सपियर के जैसी और भी लंबी होती तो शायद ही शेक्सपियर जैसा कोई बड़ा नाम इंग्लिश लिटरेचर में होता ही नहीं। क्रिस्टोफर ये बहुत बड़ा नाम होता जिसके सामने शेक्सपियर कुछ भी नहीं रहते। लेकिन खैर, क्रिस्टोफर की किसी ने जान ले ली थी, किसी ने उन्हें शूट कर दिया था, उस वजह से क्रिस्टोफर की मौत हो चुकी थी, लेकिन आज भी उनका नाम शेक्सपियर की बराबरी में लेते हैं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी वेट्स को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी वेट्स के ये जो सातों राइटर्स हैं, इनकी लिखावट सबसे अलग थी, कोई भी किसी की कॉपी नहीं करता था। उस वजह से जो भी राइटिंग में अपना करियर करना चाहते थे उनके सामने ये सात आइडियल बन चुके थे, जिसका शेक्सपियर जैसे लोगों ने बहुत फ़ायदा लिया। कभी कभी इन सात राइटर्स में से कुछ राइटर्स ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये हमारे ही पंख लगाकर उड़ान भरने की कोशिश में है, लेकिन फिर भी शेक्सपियर ने अपना काम जारी रखा
और उसी वजह से शायद ही शेक्सपियर आज बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन उनका नाम बड़ा है फिर भी उन्होंने किसी ना किसी की कॉपी की, नहीं तो इनका इन्फ्लुएंस लिया ही था। उस वजह से हमें यूनिवर्सिटी विट्स के इन सातों राइटर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हम जो भी सीखते हैं उनका इन्फ्लुएंस इन सातों राइटर्स से ही आता है। उस वजह से इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी विट्स के इन सातों राइटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी विट्स के इन सातों राइटर्स की। आज के वीडियो में बस इतना ही।